पगड़ी। योद्धा की तरह सजे युवा लगातार फायरिंग कर रहे थे। पास में ही तोप से हर 7 मिनट में गोले दागे जा रहे थे। गांव 2 घंटे तक धमाकों से गूंजता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयंकर युद्ध छिड़ गया हो। लेकिन ये माहौल था उदयपुर के मैनार गांव में शौर्य पर्व जमरा बीज का। यहाँ होली का जश्न रंगों से नहीं बल्कि बारूद से खेल कर मनाया गया। 15 साल के युवा से लेकर 70 साल के बुजुर्ग भी शामिल हुए। इस मौके पर स्थानीय 3,000 लोगों के अलावा आसपास गांवों के 10,000 से 12,000 लोग भी देखने पहुंचे। दरअसल होली के तीसरे दिन मनाए जाने वाले जीत के इस पर्व पर 5 तोपें थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाई गई। यहां हर 7 मिनट में बारूद के गोले दागे जा रहे थे। करीब 2,000 बंदूकों से एक के बाद एक हवा में फायर किए गए। धमाकों की गूंज आसपास 5 किलोमीटर तक सुनाई देती रही। बुधवार दोपहर 2 बजे से गुरुवार अल सुबह 4 बजे तक बिना रुके लगातार रणपुर ढोल बजता रहा। इसके लिए बकायदा 2 व्यक्ति लगाए जाते हैं। इस मौके पर करीब 1 करोड़ रुपए के महंगे पटाखों से आतिशबाजी की गई। गांव के हर घर से हजारों लाखों रुपए के बारूद और पटाखे खरीदे जाते हैं। फायरिंग और तोप गोले दागने के बाद पुरुषों द्वारा गैर नृत्य किया जाता है और महिलाएं भी दूसरी तरफ नृत्य करती है। इस पर्व पर सांप्रदायिकता की भी अनूठी मिसाल देखने को मिली। यहाँ परंपरानुसार तेली समाज मशालों में तेल भरता है। जश्न के दौरान जैन समाज द्वारा ही कई क्विंटल गुलाल उड़ाई जाती है, तो वहीं मीणा रावत समाज के प्रमुख लोग पेरावत यानी सेनापति की भूमिका में होते हैं। अलग अलग गलियों से आने वाली युवाओं की टोली के सबसे आगे यही सेनापति धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चलते हैं। वहीं ढोली समाज का एक परिवार यहां मौजूद लोगों को करीब 400 साल पुराना इतिहास पढ़कर सुनाता है। पूरा समाज मिलकर इस पर्व को मनाता है।